इंटक यूनियन के सदस्यों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच आपसी विवाद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इंटक भवन 7 दिसंबर 2018 को प्रशासन द्वारा इंटक भवन बचेली में ताला लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद सदस्यों ने अपनी एकजुटता का परिचय देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस संबंध में मिले। इसके पश्चात यूनियन के सदस्यों के विवाद खत्म करने की शर्तों में SDM ने भवन परिसर का ताला खुलवाया। इंटक सदस्यों में खुशी की लहर थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। लेकिन सबकी सहमति से, सबके राय मशवरा से आज नया 9 वर्ष में जो ताला खुला है, और मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमारे जो प्रशासनिक विभाग जो है उसका काफ़ी सहयोग रहा, और वे भी चाहते थे कि सब मिलजुल करके एक साथ एक संस्था में काम करें और अपनी ताकत को बनाए रखें। और इस नया वर्ष में ये खुलना कल था 1 तारीख को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दंतेवाड़ा में आगमन होने के कारण जो है 9 वर्ष में 1 तारीख को नहीं खुल पाया। आज 2 तारीख को जो है खुला। हम सब इसके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मैं लोगों से, हमारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की परेशानियां ट्रेड यूनियन में स्वाभाविक होता रहता है, और इसको भूल करके हम सब मिल करके एक अच्छा निर्माण करें और संघर्ष करें। इससे कई तरह की जो बातें हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। मैं हमारे सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बढ़िया सा एक पिकनिक मनाएं और इस संगठन को मजबूत बनाएं, और 9 वर्ष का मिलन समारोह करके सारे परिवार एक साथ फिर हो जाएं और एक माला की तरह फिर बन जाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। कितने सदस्यों को निष्कासित किया गया था, क्या उनके घर वापसी हो गई है?